बड़े ही आदरणीय बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आपने जो मेरा इतना मान सम्मान और स्नेह दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं शाम को भी आई थी, जैसे मैंने बताया कि मैं बड़े गुरुजी जो हमारे थे, ये मेरा दूसरा गुरु घर है बकोली गांव, मैं वहाँ गुरुजी की समाधि पे आई थी, वहाँ मैंने माथा टेका और मैंने अपनी जो मनसा थी वो मैंने मांगी और वो मेरी मनोकामना पूरी हुई, टिकट मिला मुझे। मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने तो अपना काम कर दिया, मुझे टिकट दिलाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्राप्त कर दिया। अब मैं बकोली गांव के सभी छोटे बड़ों से सभी यही कामना करती हूँ कि अपना आशीर्वाद स्वरूप मुझे वोट दे करके कमल के फूल पर विजयी बनाएंगे। आने वाली 4 दिसंबर को अपना कीमती वोट मुझे जनता देवी को दे करके अपना आशीर्वाद देंगे, मैं यही आशा करती हूँ सभी ग्रामवासियों से। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो मेरे पिताजी मेरे ससुर स्वर्गीय श्री सुखराम पहलवान जी थे, उनका ये अधूरा सपना है, उनको सपना पूरा करने के लिए ही मैं मैदान में आई हूँ, भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की और अभी ये भगवान की कृपा से ये काम पूरा होने वाला है। बस आप लोगों का सहयोग और समर्थन मुझे चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज बकोली गांव में पदयात्रा की जा रही है और डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है, कितना समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? मुझे बकोली गांव में जनता से जो मैं मिल रही हूँ, इतना स्नेह प्रेम और समर्थन मिल रहा है कि मैं उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि लोगों का इतना प्यार और स्नेह मुझे मिलेगा। मैं हद से ज़्यादा खुश हूँ कि सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जी, आज आपको यहाँ पर बकोली गांव में लड्डू से भी तोला गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? ये इनकी भावना है कि मुझे इन्होंने तोला है, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि जैसे आज इन्होंने मुझे लड्डुओं से तोला है, मैं इनकी भी जो मेरे से होगा मैं वो सारी समस्याएं जो होंगी पूरा करने की कोशिश करूँगी। आपकी टक्कर में 2 पार्टियां और हैं, क्या किसे टक्कर मानते हो अपनी बारी? मैं किसी को नहीं, बस अपने खुद से ही ये देखती हूँ और मोदी जी के चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ रही हूँ, मैं किसी से अपना वो नहीं मानती, टक्कर नहीं मानती। क्या अपील करना चाहोगे वार्ड नंबर 5 के लोगों से कि आने वाली 4 तारीख को चुनाव है? मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को कमल का बटन दबा करके मैं प्रत्याशी जनता देवी मेरे को आशीर्वाद दें और मुझे विजयी बनाए।